हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज हम लोग कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझाया था। मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। अगर भूल गए कि क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका यूज़ कैसे करना है वो कभी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो क्यों कैलकुलेट करते हैं, और उस क्यों का रीज़न लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। अगर हमारे पास अलग अलग पार्टिकल्स हैं, डिस्क्रीट मास सिस्टम है, डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब पार्टिकल्स अलग अलग हैं, M1, M2, M3, और उनको मैंने मासलेस रॉड से कनेक्ट कर रखा है, और अब इस सिस्टम को मैं गोल घुमा रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो M1 जो है वो एक छोटे से सर्कल में घूमता दिखाई देगा, M2 उससे बड़े सर्कल में घूमता दिखाई देगा, और M3 सबसे बड़े सर्कल में घूमता दिखाई देगा। इतनी सी बात क्लियर रखनी है आपको कि जो सबसे पास होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के वो सबसे स्लो चलता है, और जो सबसे दूर होता है वो सबसे फास्ट चलता है। तो रोटेशन में अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। ट्रांसलेशन में सबकी वेलोसिटी सेम होती है, रोटेशन में अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। इसकी वेलोसिटी मुझे V1 लिखनी पड़ेगी, इसकी V2, इसकी V3। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने जाता तो मुझे लिखना पड़ता हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर प्लस हाफ M3V3 स्क्वायर। सर, ये हर बार वेलोसिटी अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी? नहीं बच्चों, इनकी डिस्टेंस एक्सिस से अगर पता चल जाए, इसकी R1, उसकी R2, उसकी R3, अगर कोई बता दे कि इनकी डिस्टेंस R1, R2, R3 है, तो हम V1 को लिख सकते हैं ओमेगा R1, V2 को लिख सकते हैं ओमेगा R2, और V3 को लिख सकते हैं ओमेगा R3। ये चीज़ तुमको पकड़नी है कि रोटेशन में सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, पर सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ रोटेट करती है तो सभी पार्टिकल्स एंगल सेम कवर करते हैं। जब ये वाइट बोर्ड मार्कर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में पहुंच गया तो सभी पार्टिकल्स ने 90 डिग्री का एंगल ट्रैवल किया। जब ये रॉड ऐसे आ जाएगी तो इन तीनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, लेकिन एंगल ट्रैवल्ड सबका 90 डिग्री होगा। तो एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन ही ऐसे किए थे कि वो रोटेटिंग बॉडी के हर एक पार्टिकल के लिए सेम आए। तो एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए सेम रहेगी। तो हम वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। उससे क्या बन जाएगा? हाफ M1 ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस हाफ M3 ओमेगा स्क्वायर R3 स्क्वायर। ओके, और लास्ट स्टेप, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे और जो कुछ भी बचा उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। क्या बचा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। और इस चीज़ को बोलेंगे कि ये तो कभी चेंज होगी नहीं, ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, तो इस चीज़ को हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको परमानेंटली कैलकुलेट करके रख लेंगे। इसको एक नया टर्म दे देंगे, बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरी वाली चीज़ ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ये किसकी आई है? रोटेशन की। ट्रांसलेशन में कितनी होती थी काइनेटिक एनर्जी? हाफ M V स्क्वायर। तो वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आई है और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है?
इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा। और एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, दो बार कैलकुलेट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में, अगर एंगुलर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है तो ये सारी वेलोसिटीज चेंज होती रहेंगी, तो हम किसी भी प्रॉब्लम में बार बार ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए हम कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखेंगे। और वो कुछ बस ये तीन नहीं है, कम से कम 10 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। रॉड का ML स्क्वायर बाई 12, रिंग का MR स्क्वायर, डिस्क का MR स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर का 2/5 MR स्क्वायर, हॉलो का 2/3 MR स्क्वायर, सॉलिड कोन का 3/10 MR स्क्वायर, हॉलो कोन का MR स्क्वायर बाई 2, रेक्टेंगल का MA स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। द थिंग इज कि ये सारे हमको लिस्ट बना के याद करने हैं, ठीक है, और इन सब का एक एक्सिस के अबाउट याद रखना है ताकि बाकी किसी और एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकें यूजिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो बहुत कुछ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। पहला है मेन टॉपिक है ये रोटेशन का, और इसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो तुमको कुछ बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि जो मेन थ्री है ये तीन, ठीक है, इनका मैं तुमको प्रूफ भी करके दिखाऊं, और हम कोशिश करो उनको समझने की। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग याद कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग जिनको प्रूफ की भी समझ है वो ये नहीं भूलेंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों आ रहा है रिजल्ट, और हम इसे कहाँ पर यूज कर सकते हैं। जिनको प्रूफ, जिन्होंने प्रूफ देखा भी है, समझने की कोशिश भी करी है, उनको हमेशा ये पता रहेगा कि इस चीज को यूज कहां करना है, ठीक है। अगर कोई प्रूफ स्किप करना चाहता है तो मैं बता दूं, यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है, मास m लेंथ l गिवन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12। कौन सी एक्सिस के अबाउट, उसके मिड पॉइंट से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। बच्चों अगर कभी कोई एक्सिस नहीं गिवन है तो यही एक्सिस लेनी है आपको, ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये डिफॉल्ट एक्सिस है, अगर एक्सिस नहीं लिखी है तो ये एक्सिस है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ये तीन अगर आप याद रखोगे तो बाकी बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये तीन चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट हैं तो मैं इनके प्रूफ आपको समझाऊं, तो तीनों का प्रूफ बता रहा हूं, आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना पॉज करके वीडियो, पहले वाले का प्रूफ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ इज कि एक रॉड है, उसको मिड पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा है अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस। मैंने पहले भी समझाया था कि रॉड को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओ या जेड एक्सिस के अबाउट घुमाओ, एक ही सेम रोटेशन होगा, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट घूम रही है ये रॉड, वो वाली, और वही रॉड जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। इस केस में मोशन किस प्लेन में होगा, जब ऐसे घुमाएंगे इसको तो ऐसे एक्स वाई प्लेन में मोशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस है, ठीक है। तो रॉड को अगर मिड पॉइंट से पास होती हुई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना और इसको इससे मैच करने की कोशिश करना कि सर यही काम कर रहे हो, बस रॉड के लिए कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूअस मास के लिए कर रहे हो। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है पॉइंट मास का, ठीक है। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला आता है, m1r1 square प्लस m2r2 square प्लस m3r3 square, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हम इस रॉड के लिए भी पॉइंट मासिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही ऐड करेंगे। हम इस रॉड पर बहुत सारे पॉइंट मासिस बना सकते हैं,
बना सकते हैं या नहीं? हम मान सकते हैं कि रॉड भी बहुत सारे पॉइंट मासेस से जुड़ के बनी है, ठीक है। इनमें से किसी एक पॉइंट मास को पकड़ो, लेट्स से इसको पकड़ते हैं, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। कैसे लिखें? अरे सर, इसका हमें आप बस मास बता दो, डीएम। क्यों सर डीएम क्यों लिया? क्योंकि भाई ये बहुत छोटा सा हिस्सा कट करेंगे तभी तो पॉइंट मास में काउंट होगा। रॉड की लेंथ तो बहुत लंबी सी है, अगर बड़ा सा पोर्शन कट करेंगे तो उसका पॉइंट मास में काउंट नहीं कर सकते। तो अगर ये पॉइंट मास है तो सर ये बहुत छोटा सा होगा, इसका मास भी बहुत कम आएगा। तो इसका मास है डीएम और इसकी एक्सिस से डिस्टेंस भी चाहिए होगी, लेट से इसकी एक्सिस से डिस्टेंस है एक्स। तो हमने इस रॉड के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े किए, उनमें से एक टुकड़ा डीएम मास का पकड़ा जो एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है। और उस डीएम मास की विड्थ कितनी होगी? बोलते सर बहुत छोटा पकड़ना है, बहुत छोटा, तो उसकी विड्थ क्या होगी? डी एक्स। बहुत पतला सा हिस्सा लिया इस रॉड का जिसका मास भी बहुत छोटा है, जिसकी विड्थ भी बहुत छोटी है और उसकी एक्सिस से डिस्टेंस है एक्स। तो अब इस पूरे रॉड को भूल जाओ और सिर्फ इस पॉइंट मास के बारे में सोचो। तो हमें पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है, ये एक्स डिस्टेंस पर है और इसका मास है डीएम। तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख सकते हैं? डीआई इज इक्वल्स टू डीएम इनटू एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया? ये आया आई इज इक्वल्स टू एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इससे आया ही, ठीक है। हमने एक मास इनटू उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। बोलते सर आपने बाकी के एडिंग नहीं किए? हाँ, जब हम बहुत छोटे किसी बहुत छोटे पोर्शन को एडिशन करते हैं तो उसको एडिशन नहीं बोलते। यहाँ पर जो एडिशन किया है उसकी जगह यहाँ पर क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? याद करो, इंटीग्रेशन इज समेशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पोर्शंस ऑफ समथिंग, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पोर्शंस को ऐड करना ह्यूज नंबर में इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब समझ जाओ समेशन होता है। भैया सिंबल भी तो एस ही बना है, तो इंटीग्रेशन मतलब समेशन ही होता है। तो ऐसे सभी मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने दो बार एक ही स्टेप लिखा है बिकॉज मैं आई वॉन्टेड टू पॉइंट आउट माई थिंग, ठीक है। तो अब बात आई कि सर ये डीएम की वैल्यू कहाँ से लाए? डीएम की वैल्यू कहाँ से लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। एल लेंथ का मास अगर एम है तो वन लेंथ का मास होगा एम बाई एल। इसको मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा भी बोलते हैं, कभी कभी म्यू भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए एल लेंथ का मास एम, तो वन का मास एम बाई एल। तो डी एक्स लेंथ का मास कितना होगा? एम बाई एल इंटू डी एक्स, इसको क्या बोलेंगे? डी एम। डी एक्स लेंथ का मास कितना होगा? एम बाई एल इंटू डी एक्स। बस इसको उठा के यहां कर दो, दो मिनट का ये हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ही आसान इंटीग्रेशन, एम बाई एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबको आता है एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना, एम बाई एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री। लिमिट्स आएगी, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले जानी है, इस वाले को भी काउंट करना है और इस वाले को भी काउंट करना है। तो माइनस एल बाई टू, क्योंकि इसको हमने जीरो पॉइंट मान रखा है, इससे डिस्टेंस आगे की तरफ पॉजिटिव लेंगे, पीछे की तरफ नेगेटिव लेंगे। तो एक्स की वैल्यू माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक जानी है। तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, इसको खुद से सब्स्टिट्यूट करो। पहले एल बाई टू का क्यूब होगा तो वो आ जाएगा एल क्यूब बाई एट, नीचे थ्री है तो एल क्यूब बाई ट्वेंटी फोर। फिर माइनस ऑफ माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा,
एल क्यूब बाई 24 प्लस एल क्यूब बाई 24 तो आ जाएगा एम बाई एल। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद से भी करके देखना, एल क्यूब बाई 24 माइनस ऑफ माइनस एल क्यूब बाई 24 आएगा और ये फाइनल आंसर। फिर एक एल से एल स्क्वा एल क्यूब का एक एल कट जाएगा। फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो हम पहले ही लिख के बैठे, कितना आना चाहिए एम एल स्क्वायर बाई 12 आए। ठीक है, इवन इफ यू आर अ नीट के स्टूडेंट या बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, दिस प्रूफ इज समथिंग यू शुड लर्न। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट वाला करके दिखाता हूं। बच्चों तीन प्रूफ इसलिए बताने हैं ताकि आपको मैं पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिखा सकूं। इन तीन ऑब्जेक्ट के दम पर हम दोनों थ्योरम सीखेंगे और वो बहुत काम की है। तो सेकंड प्रूफ देखो, सेकंड प्रूफ इंटीग्रेशन से बता सकता हूं लेकिन उसकी जगह एक बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एकदम लॉजिक से। ठीक है, कोई इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है कोई इंटीग्रेशन नहीं। एक बात बताओ, अगर एक मास m है और वो इस एक्सिस के अबाउट सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, सिंगल मास m है इस एक्सिस के अबाउट r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर लिखनी हो तो तुम लिखोगे हाफ m v स्क्वायर, एक ही पॉइंट मास है। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, हाफ m, यहीं पर पुट कर दूं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, इसको कंबाइन कर ले तो हाफ m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, m r स्क्वायर। इस कहानी को मत भूलो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कहां से था। हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशन एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में लिखना चाही थी और मास की जगह जो ऑब्जेक्ट आ गया उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया। काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग वेरिएबल के टर्म्स में एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में लिखी थी और मास की जगह जो ऑब्जेक्ट आ गया उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया। एम आर स्क्वायर इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इसकी जगह दो मासेस रख दूं, एक यहां पर m बाई टू और एक यहां पर m बाई टू, और फिर इन दोनों को उसी सर्कल पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दूं, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा या क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? तुम बोलोगे सर मासेस भी सेम है, एक्सिस से डिस्टेंस भी सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए। पर चेक कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो m1 भी m by 2 है, m1 r1 स्क्वायर उसकी रेडियस r रेडियस में घूम रहा है प्लस m2 भी m by 2 है और उसकी भी r रेडियस में घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी कितना आया एम आर स्क्वायर। तो मैं बोला कि अच्छा एक काम करो, इसका टॉप व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से ये दो की जगह मैं तीन मासेस भी कर सकता हूं। बच्चों ऊपर से बनाने में थोड़ा आसान दिखाई दे जाएगा, एक m बाई थ्री, एक m बाई थ्री और एक और m बाई थ्री, और इन तीनों को रोटेट करूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो अब ये तीनों इस सर्किल में रोटेट होंगे। ठीक है, अभी भी अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? बोलोगे सर अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक का लिखेंगे एम आर स्क्वायर और ऐसा तीन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम आर स्क्वायर ही रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही रह रहा है, चाहे मैं एक ऑब्जेक्ट लूँ आर डिस्टेंस पे एक्सिस से, या उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं या उसको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दूं। अगर किसी को ये फिगर समझ में ना आ रही हो बच्चों तो आप यही फिगर मान लेना, ये रहा मेरा सर्कल और इस पर मैंने दो की जगह तीन पार्ट्स में रख दिए थे मास, एक इधर रख दिया था, एक इधर रख दिया था और एक इधर रख दिया।
ठीक है, m बाई थ्री, m बाई थ्री, m बाई थ्री। कई लोगों को 3D में एक्सिस चेंज करो तो एकदम से प्रॉब्लम हो सकती है। तो तीन मासेज रखे तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ रहा है। तो अब एक बात बताओ, थोड़ी सेकंड के लिए मान लो कि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हाँ, इसको दो हिस्सों में तोड़ा, तीन में तोड़ा। अब नेक्स्ट केस में इमेजिन करो कि मैंने इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया? मेल्ट। और मेल्ट करके इसको इस पूरे सर्किल पर यूनिफॉर्मली फैला दिया, यूनिफॉर्मली फैला दिया पूरे सर्किल पर। तो बच्चों क्या शेप बन जाएगी अगर यूनिफॉर्मली फैला देंगे? क्या तुम्हें ये एक रिंग बनती हुई दिखाई देगी इस एम मास को मेल्ट करके पूरे पर अगर फैला देंगे तो रिंग बन गई या नहीं बन गई? अभी भी छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं और इनकी इंडिविजुअली बात की जा सकती है, पर तुम्हें नहीं लगता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बाई अ वेरी ह्यूज नंबर, छोटे छोटे कितने टुकड़े कर सकते हैं? बहुत सारे कर सकते हैं। एम बाई अ वेरी ह्यूज नंबर, अगर किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम आर स्क्वायर, और ऐसे टोटल कितने हिस्से होंगे? इनटू एन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? एम आर स्क्वायर ही रहेगा। तो अब ध्यान से सुनो, इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में सारा का सारा मास जो है वो एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पे। ये भी, 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 ये भी। अगर पूरा का पूरा मास एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? एम आर स्क्वायर। समझ में आई बात? सो इफ ऑल द मास इज एट सेम डिस्टेंस, आर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम आर स्क्वायर। उसमें आपको कोई इंटीग्रेशन, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप तीन के बाद छः, छः के बाद दस बनाते जाते, धीरे धीरे आपको रिंग अपने आप ही बनती दिखाई देती। तीन के बाद बोलते नहीं सर, हमें एकदम से बहुत सारे पार्ट्स में नहीं तोड़ना, आप सिक्स पार्ट्स में तोड़ दो। फिर बोलते नहीं सर, सिक्स की जगह आप 12 पार्ट्स में तोड़ दो उस मास को, किसको? इसको, और 12 पार्ट्स को रिंग पे रख दो अलग अलग जगह। फिर 12 नहीं सर, 24 पार्ट्स में तोड़ दो। तो क्या तुमको ये रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है कि अगर मैं और छोटे हिस्सों में तोड़ता जाऊंगा और हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही आ रहा है, तो फिर इवेंचुअली क्या बन जाएगी? एक सॉलिड रिंग बन जाएगी यहाँ पर। और उस सॉलिड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आएगा? अबाउट कौन सी एक्सिस? पासिंग थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर टू द रिंग। ठीक है, इसको डिफॉल्ट एक्सिस या ओन एक्सिस भी बोल सकते हैं। अ रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट एक्सिस मैं बोलता हूं, ओन एक्सिस भी लिखा होता है कई बार। अगर कोई एक्सिस मेंशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता हुआ मानोगा। इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम आर स्क्वायर। आया समझ में? बिना इंटीग्रेशन के प्रूफ, फटाफट इसको नोट डाउन करो। ठीक है, एक और बचा बस इसके। ओके बच्चों, थर्ड एग्जांपल है, थर्ड प्रूफ है यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना आता, हमको पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, या फिर रॉड का आता है, या फिर रिंग का आता है। तो हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना पड़ेगा? या तो हम डिस्क को बहुत सारी लंबी लंबी रॉड्स के टर्म्स में कट करें और एक एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करें। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं है, ये थोड़ी सी टफ लगती है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी जाती है, पर क्या हम एक डिस्क को बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स से बना हुआ मान सकते हैं कि एक डिस्क जो है वो इन पतली पतली रिंग से जुड़ के बनी है? तो अगर इनमें से एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए और फिर हम उन सबको ऐड कर दें सारी वैल्यूज के लिए, यानी इंटीग्रेट कर दें, तो भी हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाना चाहिए। तो सर डिस्क का मास एम है और रेडियस आर है, लेकिन आप बात करना चाह रहे हो इस रिंग की, तो इस रिंग को अलग से ड्रॉ कर ले। इस रिंग को अलग से ड्रॉ कर लिया,
इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस रिंग की रेडियस आर तो नहीं है तो कुछ वेरिएबल एक्स मान ली, इस रिंग की विड्थ एक्स का थोड़ा सा चेंज यानी क्या मान लिया डी एक्स मान लिया, और इस रिंग का मास भी नहीं पता तो उसको मान लिया डीएम। एट दिस पॉइंट ये समझ में आ जाना चाहिए तुमको कि डीएम की कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, तो यहीं पे सबसे ऊपर यही कर लेते हैं। डीएम की कैलकुलेशन कैसे की जाए बच्चों, ये एक 2D ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D ऑब्जेक्ट, तो इसका मास इसके एरिया पे फैला हुआ है। वो एक 1D ऑब्जेक्ट था तो उसका मास उसकी लेंथ पर फैला हुआ था, इसका मास इसके एरिया में फैला हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे डीएम का मास निकालना है, अगर टोटल एरिया का मास m पता है तो 1 का होगा m बाई a और dA एरिया का मास होगा m बाई a इंटू dA। ये वैल्यू आएगी किसकी? डीएम मास की। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर टोटल का एरिया मानते हैं a और रिंग का एरिया मानते हैं बहुत छोटा सा एरिया, तो रिंग का एरिया मानते हैं डी ए, तो रिंग का मास कैसे निकाल सकते हैं? ए एरिया का मास है एम, तो वन का मास हुआ एम बाई ए, तो डी ए एरिया का मास हुआ एम बाई ए इंटू डी ए। इस यूनिटरी मेथड को अपने दिल में बसा लो, ठीक है? इस यूनिटरी मेथड को एकदम खूब 10 बार सोच लो कि ये कर क्या रहे हैं सर। ये हम लिटरली वही काम कर रहे हैं कि 100 ऑरेंजेस की कॉस्ट अगर 500 है तो 1 की होगी 500 बाई 100 यानी 5 रुपीज, और डीए की कितनी होगी तो 5 इंटू डीए, या 2 की कितनी होगी तो 5 इंटू 2, 10 रुपीज, 10 रुपीज। समझ में आई बात? तो इसको 2-4 बार रिपीट करके सुन लो, सुन लो कि सर क्या बोल रहे हैं, और फिर डीएम मास की वैल्यू लिखो। डीएम की वैल्यू आई m अपॉन एरिया है पाई आर स्क्वायर पूरे का, और ये किसका एरिया चाहिए? इस रिंग का एरिया। रिंग का एरिया लिखना नहीं आता कई लोगों को, रिंग को कट करके ऐसे स्ट्रेट खोल दो, इसको बीच से काट के ऐसे खोल दो। जब इसको ऐसे ओपन करोगे ना तो इसकी लेंथ आएगी 2πx, जितनी पेरीमीटर होगी रिंग की उतना खींच के एक लंबी सी स्ट्रिप बन जाएगी। इसकी लेंथ आएगी 2πx और इसकी विड्थ आएगी, इसकी विड्थ आएगी dx। लेंथ आएगी 2πx और विड्थ आएगी dx। तो रिंग को कभी भी एरिया निकालना है तो कट करके उसको स्ट्रिप की तरह ओपन किया जा सकता है। स्ट्रिप की तरह ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2πx dx। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ यानी 2πx इंटू विड्थ यानी dx। ओके, ये क्या हो जाएगा? 2m बाई पाई से पाई कैंसिल, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स dx। ये आ गई dm की वैल्यू। ये कैलकुलेट करना ही ज़्यादा टफ काम होता है ज़्यादातर लोगों के लिए। और अब जब इस रिंग का मास भी पता चल गया, इसकी रेडियस भी पता है, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं? रिंग का, ठीक है? कितना होगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है बच्चों ये, और फिर ऐसी सभी रिंग्स को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डिस्क। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीआई क्या बन दे देगा हमको? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा? डिस्क का। सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाना चाहिए। इंटीग्रेशन डीएम कितना है? डीएम इज 2m बाई आर स्क्वायर साथ में एक्स डी एक्स। ये तो डीएम की वैल्यू आ गई इंटू एक्स स्क्वायर जो ऑलरेडी था, और ये हो गया इंटीग्रेशन 2m बाई आर स्क्वायर जो कि एक्चुअली कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचा एक्स क्यूब डी एक्स, 2m बाई आर स्क्वायर, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 4/4, और इसकी रेंज कहाँ आएगी? सारी रिंग्स कैलकुलेट करनी है तो 0 से r तक। जैसे इसको पुट करोगे r की पावर 4/4, एक r स्क्वायर कट जाएगा, 4 2 से 4 कट जाएगा,
आंसर तो हमें पहले से ही पता था, कितना आना था एम आर स्क्वायर बाई, ठीक है। तो मैंने ये तीन समझाया आपको, रॉड, रिंग और डिस्क। अगर आप ये तीन याद रखो या अच्छे से समझ लो तो आपको पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो एक बार फिर से, अगर भूल गए इतनी देर में कैलकुलेशन क्या क्या किया, लेकिन इन प्रूफ्स को समझने की कोशिश करो। और अगर नहीं समझ पा रहे हो कि सर हमें मैथ्स बिल्कुल ही नहीं पसंद है, तो फिर ये तीनों आपको मुंह जवानी पूरे टाइम याद रखने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर?